नवोदय ग्रंथि प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, अभिभावकों, सभी को नमस्कार। नवोदय क्रांति परिवार की तरफ से मैं नरेंद्र सिंह मान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम 11वीं क्लास के लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत पहला जो अध्याय है, लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र तथा महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आदरणीय साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि 11वीं क्लास का लोक प्रशासन विषय का ये पहला अध्याय आज आप पढ़ रहे हैं। और लोक प्रशासन एक बहुत ही नया विषय है और बहुत ही बढ़ता हुआ विषय है। लोक प्रशासन हमारे बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर हमारे काम आता है। सबसे व्यवहारिक विषय इसको माना जाता है, सबसे बढ़ता हुआ विषय इसको माना जाता है, सामाजिक विज्ञानों में सबसे नया विषय इसको माना जाता है। तो ये सब्जेक्ट लेने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अभी हम लोक प्रशासन का अर्थ, इसका क्षेत्र और इसके महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि लोक प्रशासन क्या कार्य करता है। एक महिला की तस्वीर आप देख रहे होंगे जो कि गर्भ से है, अर्थात आपके आस पड़ोस में कोई इस तरह की महिला होगी, उसके आसपास आप ये देखते होंगे कि आशा वर्कर आती है, उसको टेबलेट दे करके जाती है, कभी आयरन की टेबलेट दे करके जाती है, कभी और तरह तरह की जो सप्लीमेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो बहुत सारे चीज़ दे करके जाती है, उनकी देखभाल करके जाती है, उनके टेस्ट करती है। आंगनबाड़ी वर्कर उनके घर पे जाती है, कभी नर्स उनके घर पे जाती है, कभी उसके टेस्ट होते हैं, कभी डॉक्टर उनके टेस्ट करते हैं। तो एक गर्भवती महिला के गर्भ के अंदर जो पेट के अंदर बच्चा है, उस बच्चे की भी देखभाल करने की जिम्मेदारी जो है वो आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, नर्स, हॉस्पिटल डॉक्टर, वो सभी मिल करके कर रहे हैं। ये सभी के सभी जो है वो प्रशासन का एक भाग है, ये प्रशासन है। उससे आगे आप ये भी देख रहे होंगे कि आजकल जो कोरोना महामारी विश्व के अंदर आई हुई है, उसकी देखभाल कौन कर रहा है, उसके संदर्भ में लोगों की मदद कौन कर रहा है। ये आप एक मरीज देख रहे हैं और उसके साथ जो है वो एक मेडिकल टीम देख रहे हैं जो उनकी मदद कर रही है, उनके सैंपल ले रही है। उसके साथ में जो कोरोना मरीज का जो है देहांत हो जाता है, उसको उसके परिवार को सौंपा नहीं जाता। प्यारे बच्चों, आजकल आपको पता होगा उसका दाह संस्कार तक करने की जिम्मेदारी जो है वो एक ये तस्वीर भी देख रहे हैं, वो दाह संस्कार तक करने की जिम्मेदारी वो भी प्रशासन की है, वो भी लोक प्रशासन कहीं ना कहीं पर मदद कर रहा है। अर्थात ताकि उसके परिवार के सदस्य, अन्य सदस्य संक्रमण का किसी प्रकार से शिकार ना हो। दाह संस्कार भी स्वयं जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जन्म लेने से पहले बच्चे जब पेट के अंदर था, उस टाइम पर प्रशासन ने काम करना शुरू किया था और अंतिम समय तक प्रशासन काम करता रहता है। हमारे चारों तरफ हम बहुत सारी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गतिविधियां देखते हैं जो जिनमें प्रशासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। प्यारे बच्चों, रोजगार के लिए प्रशासन जिम्मेदार होता है, प्रशासन कार्य करता है, कभी परिवहन के लिए बसें चलाता है, और अभी तो शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल खोल रखे हैं, स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कभी रिफाइनरी हैं, कभी बिजली की सप्लाई करते हैं, कभी तरह तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो इतने सारे कार्य जो है वो लोग प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। केवल इतने ही कार्य नहीं किए जाते, अब तो लॉकडाउन का जो कार्य है और लॉकडाउन के अंदर प्रशासन की जो जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उसके अतिरिक्त उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाते हैं, उनको रोकने की, उनको हर प्रकार की सुविधाएं जो है वो प्रशासन के द्वारा दी जाती हैं। तो ऐसे में उनकी, प्रशासन की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो इसी से लोक प्रशासन की महत्ता उजागर होती है। प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि किसी की कोई भी समस्या है, उस समस्या के लिए वो प्रशासन को कहीं ना कहीं पर जिम्मेदार ठहराता है।
और राजनीतिक दल आमतौर पर अगर अपने किसी कार्य को करने में असफल रहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पर प्रशासन के ऊपर अपना ठिकरा फोड़ते हैं, उन प्रशासन की कमियां निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशासन का कार्य जो है वो इतना व्यापक हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, तो इस संदर्भ में प्रशासन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप एक ये तस्वीर, ये आज के न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग है। जूम ऐप सुरक्षित नहीं, बैठक के लिए न करें इस्तेमाल, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं आज के अखबार के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि केवल बिजली पहुंचाना, केवल परिवहन व्यवस्था, केवल गर्भवती महिला की देखभाल करना, केवल कोरोना संकट के समय या केवल शिक्षा के लिए स्कूल खोलना, केवल यही काम नहीं है, बल्कि उसके अतिरिक्त सरकार जो है वो आप मोबाइल पर क्या चला रहे हैं, आपका नेट सुरक्षित है कि नहीं, आप सुरक्षित हैं या नहीं है, इस छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के प्रशासन जो है वो सतर्क है, लोक प्रशासन कार्य कर रहा है। एक और आज के न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए, कोरोना भगाने के लिए घर घर जाएगी टीमें। अनिल विज जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की कि घर घर जाकर के टीमें कोरोना के सैंपल लेगी और उनकी जांच करेगी। तो ये टीम जो जाएगी, ये टीम कौन होगी? इस टीम में डॉक्टर होंगे, इस टीम में नर्स होंगी, इस टीम में कुछ सफाई कर्मचारी या फिर कुछ पुलिस कर्मचारी होंगे। तो ये सारे के सारे जितने कर्मचारी और अधिकारी होंगे, ये कौन होंगे? ये सारे के सारे लोक प्रशासन का एक भाग है, यही तो लोक प्रशासन है। अर्थात हमारे चारों तरफ हम जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी गतिविधियां देखते हैं, वो सारी लोक प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। हम गांव के अंदर देखते हैं कि खाद्य आपूर्ति के लिए डिपो पर जो है लोगों को अनाज बांटा जा रहा है, लोगों को तरह तरह से मदद दी जा रही है, खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ये प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, लोक प्रशासन की गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर के छोटे से लेकर के बड़े तक बहुत ज्यादा कार्य लोक प्रशासन ने आजकल अपने हाथ में ले रखे हैं। तो इसलिए हम लोक प्रशासन के परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, वर्तमान सभ्यता की पहचान और शासकीय व्यवस्था के केंद्र बिंदु के रूप में लोक प्रशासन का संबंध राज्य व उसके प्रशासन से है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में ना लोक प्रशासन बिल्कुल एक नया विषय है। लोक प्रशासन 1887 से शुरू हुआ। लोक प्रशासन को एक पर्यावरण संबंध, मूल्य संबंध, विकास उन्मुख और नवीन सामाजिक विज्ञान माना जाता है। सामाजिक विज्ञान में सबसे नया विषय लोक प्रशासन को माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वुड्रो विल्सन ने 1887 में एक लेख लिखा और उस लेख से लोक प्रशासन का जन्म माना जाता है। अर्थात लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। किसको माना जाता है? वुड्रो विल्सन। और लोक प्रशासन का जन्म कब हुआ? 1887 में। किस लेख से हुआ? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, लोक प्रशासन बिल्कुल एक नया विषय है और इस नए विषय के बारे में लोक प्रशासन के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है कि लोक प्रशासन का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों, लोक प्रशासन को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से बना है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, इन शब्दों के सहयोग से, संयोग से बना है। और प्रथम है पब्लिक, पब्लिक लैटिन भाषा का शब्द है, पब्लिक से बना है जिसका अर्थ है पीपल या लोग, जबकि दूसरा शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। प्यारे बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन भी दो शब्दों से मिलकर के बनाए, एड और मिनिस्ट्रेशन, एड और मिनिस्टर के संयोग से बना है। इसका अर्थ होता है कि प्रबंध करना, सेवा करना या देखभाल करना, यह इसका अर्थ लिया जाता है। तो इस तरह से हम कहें, जब हम पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों शब्दों को जब आपस में जोड़ते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, जिसका अर्थ होता है जनता की सेवा करना, जनता की ओर ध्यान देना, जनता की देखभाल करना। शाब्दिक दृष्टिकोण से लोक प्रशासन कहा जाता है जो जनता के हित में संगठित हो। वास्तव में लोक प्रशासन कुछ और नहीं बल्कि जनता के हित में, जनता का और जनता के लिए संचालित एक प्रकार का प्रशासन है, उसको लोक प्रशासन कहते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं और जान लेते हैं प्यारे बच्चों।
लोक प्रशासन की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं सभी में एक परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि ये विषय जो है ये व्यक्तियों से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए विषय हैं, और जो व्यक्ति और समाज से जुड़े हुए विषय होते हैं उनमें एक ही परिभाषा संभव नहीं है। विज्ञान के विषयों में एक परिभाषा दी जा सकती है, लेकिन सामाजिक जो विषय होते हैं उनमें एक ही शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले वुड्रो विल्सन की बात करते हैं, जिन्होंने जिनके अनुसार लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है, और कानून क्रियान्वित की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है, अर्थात कानून जो बना है उस कानून को लागू करने की प्रत्येक क्रिया को प्रशासनिक क्रिया कहा जा सकता है। जबकि डिमोक ने कहा है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, सरकार का संबंध, शासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, अर्थात क्या करना है और कैसे करना है, इसी के इर्द गिर्द पूरा लोक प्रशासन कार्य करता है। जबकि एलडी व्हाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। पीपनर ने प्यारे बच्चों कहा है कि लोक प्रशासन का अर्थ जनता से सहयोग प्राप्त कर शासन का उत्पादन करना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन सभी परिभाषाओं के आधार पर के लोक प्रशासन लोगों से जुड़ी हुई एक ऐसी विषय है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है और शासन का एक भाग के रूप में कार्य करता है लोगों के भलाई के लिए, और जितने भी कानून वगैरह होते हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी, उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी वो भी लोक प्रशासन की होती है, अर्थात लोगों की भलाई के लिए लोगों से सीधा जुड़ा हुआ एक विषय, उसको हम लोक प्रशासन कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लोक प्रशासन से स्पष्ट है कि इसके संदर्भ में एक दृष्टिकोण नहीं है, इसके संदर्भ में तीन दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। तीन दृष्टिकोण कौन कौन से हैं वो आप ये देखिए, एक तो है एकीकृत दृष्टिकोण लोक प्रशासन का, एकीकृत दृष्टिकोण, एक है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। प्यारे बच्चों, एकीकृत दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाओं का समग्र योग लोक प्रशासन है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी की जाती है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उन सभी में जितने भी कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल होते हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाता है एकीकृत दृष्टिकोण में। एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब है कि एक फोर्थ क्लास से लेकर के एक सफाई कर्मचारी से लेकर के और बड़े सदर के जो मुख्य सचिव होता है उस तक के जितने अधिकारी कर्मचारी होते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जितने भी उसमें अधिकारी कर्मचारी होंगे, जितना भी जो भी उसमें संगठन होगा, चाहे भौतिक हो चाहे मानवीय संगठन है, उन सभी को जोड़ करके जो एक विचारधारा बनती है अर्थात लोक प्रशासन के अंदर ये सारे शामिल होते हैं, फोर्थ क्लास से सफाई कर्मचारी से लेकर के और मुख्य सचिव तक के बड़े से बड़े अधिकारी तक, सभी के सभी को जब शामिल कर लिया जाता है तो उसको एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है, अर्थात सभी लोक प्रशासन का एक भाग माने जाते हैं, समझे जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी दूसरी विचारधारा है वो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का बड़ा सीधा सा मतलब है कि जो प्रबंध करने वाले होते हैं, जो आदेश देने वाले होते हैं, जो निर्देश देने वाले होते हैं, जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, उनको प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें केवल उच्च स्तर के अधिकारी जिनका काम आदेश देने का होता है, केवल उन अधिकारियों को शामिल किया जाता है। अगर रोडवेज की बात करें तो जनरल मैनेजर जो रोडवेज का है वो, उसको हम कह सकते हैं इसमें शामिल कर सकते हैं जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में। हम विद्यालय की अगर बात करें तो केवल प्रधानाचार्य को इसमें शामिल किया जाता है। तो किसी भी विभाग में, किसी भी एजेंसी में, किसी भी जो है लोक प्रशासन के में अगर केवल उच्च स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाता है तो वो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है। तो और एक एकीकृत दृष्टिकोण के अंदर छोटे से लेकर के बड़े तक सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल किए जाते हैं, स्पष्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि
किन किन अधिकारियों को शामिल किया जाए, किन किन कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाए, क्या इसका विषय क्षेत्र हो, कितनी ये व्यापक हो, कितनी ये संकुचित हो, केवल एकीकृत को शामिल किया जाए कि सबको, तो इनके संदर्भ में ना आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जमाना बदलता रहता है, लोगों की मांगें बदलती रहती हैं और राज्य के कार्य बदलते रहते हैं। राज्य के जब कार्य बदलेंगे तो लोक प्रशासन का कार्य स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा। लोगों की मांग बदलेंगी तो शासन का कार्य बदलेंगे, शासन के कार्य बदलेंगे तो लोक प्रशासन का कार्य स्वतः बदल जाएगा। तो इसलिए इसको एक हार्ड लाइन इसके लिए नहीं दी जा सकती कि लोक प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन शामिल किए जाएंगे और कौन नहीं शामिल किए जाएंगे। वो जिस तरह की परिस्थिति हो उसी तरह से उसमें शामिल किए जा सकते हैं। जैसे पुराने संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो केवल पुलिस राज्य था, वहाँ पर फालतू के जो लोक कल्याण के कार्य हैं वो नहीं किए जाते थे, तो इसलिए केवल पुलिस के कार्य और कानून को लागू करने वाले कार्यों को इसमें शामिल किया जाता था और उन्हीं के अधिकारी कर्मचारियों को इसमें लिया जाता था। बहुत कम अधिकारी कर्मचारी होते थे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो सोवियत संघ रूस की बात करें तो सोवियत संघ रूस में छोटे से छोटा कार्य, चाहे खेती करने का कार्य है, चाहे ड्राइवर है, चाहे खाना बनाने वाला है, चाहे प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते थे, उसमें सबको शामिल किया जाता था। तो इसलिए अभी भी समय बदल रहा है। जैसे जैसे समय बदलता है तो आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार जो जिस तरह की मांग हो पब्लिक की तरफ से और जिस तरह से शासन की मांग हो, जिस तरह से शासन की आवश्यकता हो, उसी अनुसार जो है ये इसको अपना अर्थ जो है वो बदल लेना चाहिए, अपना क्षेत्र इसको बदल लेना चाहिए। तो ये तीनों प्रकार की विचारधाराएं, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, ये तीन प्रकार के दृष्टिकोण लोक प्रशासन के अर्थ के संदर्भ में लिए जाते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण, प्यारे बच्चों, जिसमें सारे कर्मचारी अधिकारी शामिल होते हैं, प्रबंध किए में केवल ऑफिसर शामिल होते हैं जो ऑर्डर देने वाले लोग होते हैं, और जो आधुनिक विचारधारा है उसके अंदर बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जो है बदलता हुआ लोक प्रशासन, अर्थात प्रशासन और लोक प्रशासन गतिशील विषय है, क्योंकि समाज गतिशील है, देश गतिशील है, शासन गतिशील है, तो लोक प्रशासन स्थिर कैसे रह सकता है, वो भी गतिशील है। तो इसलिए गतिशील प्रक्रियाओं के अनुसार अपने आप को बदलता रहे वो लोक प्रशासन है, ये आधुनिक विचारधारा कहती है। उसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों, लोक प्रशासन के संदर्भ में अक्षेत्र की बात करते हैं हम। अक्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र में सब चार तरह की विचारधाराएं हैं। एक तो पोस्ट गोल्ब सिद्धांत है, पोस्ट गोल्ब थ्योरी है, दृष्टिकोण है। दूसरी व्यापक दृष्टिकोण है। तीसरी संकुचित दृष्टिकोण है। और चौथी लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन के चार दृष्टिकोण है लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में, अर्थात लोक प्रशासन के अंदर हम क्या क्या शामिल करें, क्या क्या पढ़ें, उसके संदर्भ में ये चार विचारधाराएं हैं। प्यारे बच्चों, चारों विचारधाराओं में पोस्ट गोल्ब की बात करते हैं। पोस्ट गोल्ब लूथर गुल्लिक ने एक ऐसी विचारधारा दी है जो अलग अलग अक्षरों को जोड़ करके एक एक की बनाई है, और वो की याद करने में बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होती है और वो लोक प्रशासन को समझने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो लूथर गुल्लिक ने बनाई है। किसने बनाई है, दी है ये की, ये दी है लूथर गुल्लिक ने। कौन सी विचारधारा है, पोस्ट गोल्ब, POSDCORB। हर अल्फाबेट का इसमें अलग अर्थ होता है, तो इसके बारे में हम अलग अलग के बारे में बात करते हैं। पोस्ट गोल्ब, पी का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब योजना बनाना। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन बनाना। एस स्टाफिंग यानी के कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी डायरेक्टिंग यानी के निर्देश देना, आदेश देना। को कोऑर्डिनेशन, CO कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन समन्वय या तालमेल स्थापित करना। आर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब है कि रिपोर्ट देना, प्रतिवेदन देना। और बजटिंग, बजट तैयार करना। यह है पोस्ट गोल्ब विचारधारा। सबसे पहले लूथर गुल्लिक कहता है कि सबसे पहले हमें योजना बनानी पड़ती है। जो योजना बनती है, कोई भी कार्य क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या उसके लिए साधन चाहिएगा, क्या उसके लिए आवश्यकताएं होंगी, उसकी प्लानिंग सबसे पहले की जाती है सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो पूरा का पूरा लोक प्रशासन का क्षेत्र होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है, चाहे वो भौतिक और मानवीय संगठन या अधिकारियों को मिलाकर के एक संगठन बनाया जाता है कि कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल किए जाएंगे।
उसके बाद उन अधिकारियों के लिए कुछ सहायक स्टाफ की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों की नियुक्ति आदि के संदर्भ में कार्य किया जाता है, कर्मचारियों को नौकरी पर लगाया जाता है, वो है स्टाफिंग। और डायरेक्टिंग अर्थात सरकार के जितने भी कार्य हैं वो निर्देश देना ही सरकार का मुख्य कार्य होता है। आदेश आते हैं ऊपर से, अब क्या करना है, अब किस तरह से करना है, क्या क्या कार्य आपको कब और किस तरीके से करना है, उसके निर्देश आते हैं। तो निर्देश देना, अधिकारियों का आदेश देना अधिकारियों का अधिकार है, तो उसी के माध्यम से पूरा प्रशासन चलता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन तालमेल स्थापित करना है, और तालमेल आपस में मिलजुल करके सभी कर्मचारी अधिकारी तालमेल से काम करें, भौतिक संगठन और मानवीय संगठन मिलजुल करके तालमेल से काम करें, जो अधिकारी वर्ग है और कर्मचारी वर्ग है वो आपस में मिलजुल करके कार्य करें, वो उसका कोऑर्डिनेशन सभी में आपस में तालमेल बढ़िया हो, ताकि जो निश्चित उद्देश्य हमने बनाया था अर्थात जो योजना बनाई थी उस योजना को पूरा किया जा सके। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना, प्रतिवेदन भी प्रशासन का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम हर रोज घर पर अभी भी प्रतिवेदन रिपोर्ट देते रहते हैं, रिपोर्टिंग मांगते रहते हैं, किसने कब क्या कार्य किया, बच्चों तक क्या पहुंचाया गया, तो वो प्रतिवेदन भी इसका प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों एक बजट भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बजट के बिना प्रशासन कार्य नहीं कर सकता, प्रशासन के प्रत्येक कार्य के लिए पैसे खर्च होते हैं और वो पैसा का प्रबंध करना, उसका अरेंजमेंट करना, वो भी बजट के अंतर्गत, वो भी लोक प्रशासन का कार्य है। अर्थात ये पोस्ट गौरव के सभी कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरी विचारधारा है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अंदर प्यारे बच्चों सभी तरह की गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं, न केवल कार्यपालिका बल्कि इसमें विधानपालिका और न्यायपालिका को भी शामिल किया जाता है। विधानपालिका और न्यायपालिका कोई अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकते, विधानपालिका कानून बनाती है, कानून अपने आप नहीं बना सकती बिना प्रशासन के सहयोग के। तो विधानपालिका में भी कानून का जो ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है, कानून के संदर्भ में मंत्रियों को जो निर्देश, जो सहायता दी जाती है, जो उनको सलाह दी जाती है, वो अधिकारियों के द्वारा अर्थात लोक प्रशासन के द्वारा दी जाती है। अर्थात कानून बनाने में भी, विधानपालिका में भी, उसके बाद कानून को लागू करने वाली जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका तो है ही लोक प्रशासन के संदर्भ में। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका राजनीतिक लोग, और प्रशासनिक कार्यपालिका जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं सरकारी, तो वो जो है प्रशासनिक कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका के संदर्भ में भी है और न्यायपालिका के संदर्भ में भी है। न्यायपालिका में भी बहुत सारे जो है असैनिक जो सेवक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको न्यायपालिका में भी काम करना पड़ता है। सरकार के भी बहुत सारे पक्ष रखने पड़ते हैं न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका तीनों से जुड़ा हुआ जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है लोक प्रशासन का, वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल होता है। तो ये कहा जाता है कि लोक प्रशासन इतना व्यापक है कि वो केवल धरती पर ही नहीं, आसमान से भी जुड़ा हुआ है, वो समुद्र से भी जुड़ा हुआ है, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इतना व्यापक क्षेत्र है लोक प्रशासन का, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस सभी को शामिल किया जाए तो वो व्यापक दृष्टिकोण है लोक प्रशासन का। दूसरा संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के अंदर प्यारे बच्चों केवल और केवल कार्यपालिका से संबंधित जो लोक प्रशासन है उसको संकुचित दृष्टिकोण कहा जाता है। केवल कार्यपालिका और कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं, सीधे रूप से जो एजेंसियां होती हैं, उसको हम संकुचित कार्यपालिका कह सकते हैं, जिसमें बहुत कम कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, बहुत कम अधिकारियों कर्मचारियों को केवल इसमें शामिल किया जाता है, जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो ऑर्डर देने वाले होते हैं, उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जिस तरह से जिला उपायुक्त है, जिस तरह से अन्य डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, वो संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। जबकि व्यापक दृष्टिकोण के अंदर तो पीएन से लेकर के और मुख्य सचिव तक के अधिकारी, न केवल कार्यपालिका बल्कि विधानपालिका और न्यायपालिका को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो मदद करने वाले जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है व्यापक दृष्टिकोण में। संकुचित दृष्टिकोण में केवल उच्च स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाता है। और अभी एक तीसरी विचारधारा प्यारे बच्चों जो है, चौथी विचारधारा, वो लोक कल्याणकारी विचारधारा है। लोक कल्याणकारी विचारधारा का मतलब है कि लोक प्रशासन का मुख्य काम, जैसा हमने पहले अर्थ पढ़ा था, लोक प्रशासन का मुख्य काम लोगों की देखभाल करना,
लोगों का प्रबंध करना, लोगों की सेवा करना है और लोगों का कल्याण करना है। तो लोगों का कल्याण करने के लिए आजकल जो है कल्याणकारी राज्य हैं, सारे वेलफेयर स्टेट हैं। वेलफेयर स्टेट में छोटे से छोटे कार्य की तरफ जो है के लिए हम सरकार की तरफ देखते हैं, और सरकार अपने आप कार्य नहीं कर सकती। सरकार के कार्य करने के लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं उसको लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहा जाता है। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण ये कहता है कि केवल लोक प्रशासन तक सीमित न रहें, लोगों के कल्याण के लिए अगर अर्थशास्त्र लोगों का कल्याण कर रही है तो अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल किया जाए, इसमें सामाजिक विज्ञान के अन्य राजनीति विज्ञान को भी इसमें शामिल किया जाए, इसमें मनोविज्ञान को भी इसमें शामिल किया जाए, समाज शास्त्र को भी इसके अंदर, अगर कुछ लोगों की भलाई कर रहा है समाज शास्त्र तो समाज शास्त्र को भी लोक प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए। तो इसलिए एक बड़ी सब मिलजुल करके अंतिम जो उद्देश्य है वो लोगों की भलाई करना, लोगों का कल्याण करना है, तो उसके लिए लोक प्रशासन को कार्य करना होगा। तो प्यारे बच्चों, दोबारा से हम देखते हैं लोक प्रशासन के अक्षेत्र में पोस्ट गौरव दृष्टिकोण था जो हमने पढ़ लिया, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण और एक लोक कल्याणकारी अर्थात आधुनिक दृष्टिकोण है। अब लोक प्रशासन के महत्व की थोड़ी सी बात करते हैं प्यारे बच्चों, लोक प्रशासन के महत्व के बारे में। तो लोक प्रशासन, सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में लोक प्रशासन की बहुत अहम भूमिका है। शुरू में भी हम बात कर रहे थे कि गर्भ से लेकर के कब्र तक, यानी कि जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु के बाद तक की जिम्मेदारी जो है लोक प्रशासन अपने ऊपर उठाता है। अर्थात लोक प्रशासन व्यक्तिगत जीवन में बहुत अहम भूमिका है। कोई भी व्यक्ति बिना लोक प्रशासन के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। बिजली के लिए वो लोक प्रशासन पर डिपेंड रहता है, वो अगर कभी उसको परिवहन की आवश्यकता है तो उसके लिए लोक प्रशासन पर डिपेंड रहता है, रेल की बस की आवश्यकता होती है तो हॉस्पिटल के लिए, आप जो है कोरोना में तरह तरह के टेस्टों के लिए और शिक्षा के लिए, तरह तरह के बहुत सारी एक्टिविटी सरकार के द्वारा की जाती है, सब के लिए व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन। गरीबों को खाद्यान्न देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, तो तरह तरह से लोक प्रशासन के हर एक आदमी के जीवन में, कोई भी आदमी चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी ना हो वो लोक प्रशासन के बिना अपने कार्य पूरे नहीं कर सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, अमीर हो चाहे गरीब है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, हर एक के जीवन में लोक प्रशासन बहुत अहम भूमिका अदा करता है। प्रशासकों के लिए भी लोक प्रशासन का बहुत अधिक महत्व है। जो लोक प्रशासक, जो प्रशासक है, जो डीसी है, अधिकारी है, अन्य, उनके लिए भी लोक प्रशासन का महत्व है। वो लोक प्रशासन में ही पढ़ते हैं कि किस तरह के आदेश देने चाहिए, किस तरह से लोगों की भलाई की जा सकती है, किस तरह से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से उनको जो प्रशिक्षित किया जा सकता है, और प्रशिक्षण लेते हैं, तरह तरह की चीजें सीखते हैं। तो वो प्रशासकों के लिए भी लोक प्रशासन विषय का बहुत अधिक महत्व है। लोक नीति को व्यवहारिक जामा पहनाने वाला एक यंत्र माना जाता है। लोक नीति प्यारे बच्चों राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा अंतिम मोहर लगाई जाती है, वो तैयार की जाती है, और उस लोक नीति को लागू करने के लिए, उसको व्यवहारिक जामा पहनाने के लिए गांव स्तर पर और व्यक्ति स्तर पर जो आदमी जाएगा वो कहीं ना कहीं पर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होगा। तो लोक नीति को बनाने के अतिरिक्त उसको जो लागू करना है, लागू करने का 100% कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लोक प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए भी इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों से सीधा संपर्क तो लोक प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों का होता है, उनकी भलाई के लिए वही काम करते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर आप देख रहे होंगे कि सरकार ने निर्देश दे दिया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, उसके लिए प्रशासन काम करे, और उसके लिए लोक प्रशासन काम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है प्रशासन बखूबी निभा रहा है। कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, फोन नंबर दिए हुए हैं। केवल इतना ही नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार ने योजना बनाई कि घर घर तक जो है राशन की आपूर्ति की जाएगी, राशन पहुंचाया जाएगा, उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है। क्या कार्य प्रशासन आजकल नहीं कर रहा है जो लोगों के लिए नहीं है। तो तरह तरह से लोगों को व्यवहारिक जमा जो भी नीतियां बनती हैं वो पहनाने वाला यंत्र जो है वो लोक प्रशासन है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में भी लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि समाज के अंदर तरह तरह की आंदोलन हो सकते हैं, जाति धर्म के आधार पर दंगे फसाद हो सकते हैं, तरह तरह की मांगे हो सकती हैं,
तो उन सब पर नियंत्रण रखने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सजग रहता है, सचेत रहता है, किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण करने का प्रयास करता है। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए भी लोक प्रशासन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी लोक प्रशासन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। समाज में अगर कोई परिवर्तन लाना है, कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ पाखंड हैं, कुछ इस तरह के हमारे देश के अंदर बहुत सारे इस तरह की आवश्यकता है, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ चली हुई हैं उनके अंदर परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा अगर कोई यंत्र है तो वो लोक प्रशासन है। प्रशासन के द्वारा यंत्र लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वास और ढोंग पाखंड भी बहुत है। अभी कोरोना का जो संकट आया, एक बाबा ने यह है कोरोना देवता, ये हमारा नाराज हो गया है, अब इसकी पूजा करेंगे तो वो सब ठीक हो जाएगा, लोगों की भीड़ वहां पर जमा कर दी, और प्रशासन ने जब उसके खिलाफ एक्शन लिया, उसको पकड़ करके उसके खिलाफ जब केस दर्ज किया तो तब जाकर के वो कंट्रोल हुआ। तो इस तरह से बेवकूफ बनाने वाले लोग बहुत हैं और बेवकूफ बनने वाले लोग भी बहुत हैं। तो उन सब पर एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में जो अहम भूमिका अदा करता है वो लोक प्रशासन अदा करता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने में भी लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रशासनिक मूल्य अर्थात निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे चुनाव हो, स्वतंत्र प्रेस हो, तो लोगों को अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो, लोग जिम्मेदार नागरिक बने, एक अच्छे सभ्य नागरिक बने, आदर्श नागरिक बने, तो वो प्रजातांत्रिक मूल्य है किसी भी देश के। उन प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए और बचाए रखने के लिए लोक प्रशासन बहुत अहम भूमिका अदा करता है। उसके अतिरिक्त छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है लोक प्रशासन। छात्र इस विषय को न केवल पढ़ते हैं बल्कि पढ़ने के बाद बहुत सारी नई जानकारी लेते हैं। न केवल एकेडमिक बेनिफिट होता है उनको बल्कि प्रैक्टिकली बहुत नॉलेज उनको मिलता है। लोक प्रशासन के अंदर जितना जो कुछ पढ़ा जाता है वो वास्तव में सारा का सारा यूजफुल उसको माना जाता है, उपयोगी माना जाता है छात्र जीवन के लिए। तो छात्र जीवन के लिए काफ़ी अच्छा, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी लोक प्रशासन से सबसे ज़्यादा आमतौर पर प्रश्न मिलते हैं, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा नया विषय, ज़्यादा बढ़ता हुआ विषय है, इसलिए छात्रों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। उसके अतिरिक्त युद्ध काल में भी काफ़ी महत्व लोक प्रशासन अदा करता है। युद्ध काल में लोगों जमाखोरी ना हो, लोग जो है वो किसी तरह की अफवाहें ना फैलाएं, लोगों को किसी प्रकार का संकट ना हो, लोगों को खाद्यान्न की समस्या ना हो, तो लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए युद्ध काल में जो है लोक प्रशासन बहुत अच्छी भूमिका अदा करता है। आजकल जो कोरोना संकट, COVID-19 संकट है, ये भी लगभग लगभग युद्ध काल की सी स्थिति बन गई है। तो ऐसे में लोक प्रशासन का महत्व कितना ज़्यादा है, सारे लोगों की, करोड़ों करोड़ों लोगों की इतनी सारी ज़रूरतें प्रशासन पूरे करने के लिए प्रयासरत है, कार्य कर रहा है। अपनी जान को जोखिम में डाल करके हॉस्पिटलों में इलाज हो रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके बहुत सारे पुलिस कर्मचारी लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं। तो वो सारा का सारा जो है वो जो कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं, वो जो कभी खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, कभी तरह तरह से मदद कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोक प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी हैं। तो इसलिए युद्ध काल में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन। सभ्यता और संस्कृति बनाए रखने में भी अगर सबसे ज़्यादा किसी की भूमिका है तो वो लोक प्रशासन की भूमिका है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उसको बचाए रखने और उसके उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। लोक प्रशासन आर्थिक विकास के साधन के रूप में भी काम करता है। वो तरह तरह के रोजगार देता है, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। उसके अतिरिक्त लोक प्रशासन के द्वारा बहुत सारी उत्पादक गतिविधियां चलाई जाती हैं, वाणिज्यिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, उनके द्वारा जो है लोक प्रशासन लोगों की आर्थिक मदद करता है, आर्थिक भलाई करता है, तरह तरह की छूट देता है, तरह तरह के बैंकिंग है, तरह तरह की अन्य LIC है, तरह तरह की अन्य सेवाएं हैं, तो वो लोक प्रशासन के द्वारा की जाती हैं। अर्थात लोक प्रशासन आर्थिक विकास में देश और नागरिकों की मदद करता है। तो जन कल्याण की योजनाओं को लागू करने में भी लोक प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है लोक प्रशासन, ताकि जन कल्याण की नीतियां जो बने वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को उसका लाभ मिले। उसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी लोक प्रशासन की भूमिका बहुत अहम होती है। कानून व्यवस्था की सबसे ज़्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी होती है
तो वो प्रशासन की होती है। तो प्यारे बच्चों, ये लोक प्रशासन के महत्व के बारे में हमने पढ़ा। उनके अतिरिक्त जो हमारे जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उन राष्ट्रों के लिए लोक प्रशासन की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर गरीबी की संख्या, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है और गरीबों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए लोग जो है वो सरकार की तरफ देखते हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारियाँ लोक प्रशासन के माध्यम से पूरी करता है। तो लोक प्रशासन की तरफ तरह तरह की जिम्मेदारियां जो है वो आजकल बढ़ गई हैं हमारे जैसे देश के अंदर। और जो अब संकट आया है, इस संकट के समय तो लोक प्रशासन को के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं जिनका वो निर्वहन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लोक प्रशासन में आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन। और हम जो है हर समस्या के लिए लोक प्रशासन की तरफ देखते हैं। लोक प्रशासन वो पहले ज़माना था जब राजसत्ता का के आदेशों को मानना लोक प्रशासन का काम होता था, लेकिन आजकल लोगों की कल्याण करना, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, वो लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है। लोक प्रशासन ग्राम पंचायत से लेकर के यूएनओ तक जुड़ी हुई है। लोक प्रशासन प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत से लेकर के यूएनओ तक सारी की सारी लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। धरती, आसमान और समुद्र तीनों लोक प्रशासन कहीं ना कहीं पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन बहुत अच्छा, बहुत प्रगतिशील, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक नया विषय है, एक प्रबंधात्मक विषय है। और इसको आजकल लोक प्रबंध भी कहा जाता है, पब्लिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो पब्लिक की हर कदम पर हर व्यक्ति की मदद लोक प्रशासन कहीं ना कहीं पर कर रहा है। तो इन सभी के साथ आपने बहुत अच्छे से सुना है और इसी के संदर्भ में जो प्रश्न हो वो अपने छात्र, अपने शिक्षक साथियों को आपने लिख करके दिखाने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।